अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये मैं खड़ा हूँ जी इधर 26 नंबर पे। ये मेरी मोटरसाइकिल है, नंबर प्लेट लगा हुआ है। ये मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था, और ये भाई है और ये भाई है, ये दोनों पुलिस वाले हैं। इन भाइयों ने उसमें जाके इन्होंने मुझे रोका हुआ है। कसम खुदा की मैंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। इसने मुझे माँ बहन की गालियां दी है, माँ बहन की गालियां दी है इस पुलिस वाले ने और उस ट्रैफिक वाले ने। न मैंने कोई जुर्म किया हुआ है, न मैंने कोई चीज रोकी हुई है। इन्होंने मुझे रोका है, इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है, माँ बहन की गालियां। ये मेरा मोटरसाइकिल है, सारी चीजें इसमें है, सारी चीजें इसमें पड़ी हुई है। मैंने न कोई जुर्म किया, ये मुल्क है। इन पुलिस वालों ने मुझे कंजर का बच्चा, मेरी माँ बहन, मेरी अपनी चीजें, ये मैं इसने मुझे कही है, ठीक है जी। और मुझे कह रहा है कि मैं तेरे अंदर घुसूंगा। क्या ये पुलिस वाले और ये वर्दी जो है ना, ये इस मुल्क में इसी के लिए है कि ये हमारे अंदर घुसेंगे? मैंने गुनाह किया तो है? कहता है मैं तुझे वर्दी का जोर बताऊंगा। ये इस वर्दी का मैं लिहाज कर रहा हूँ, ये दाढ़ी है इसकी, इस बंदे की दाढ़ी है। और फजूल में इसने जाके पुलिस वाले को कॉल की है और मुझे वो धमकियां दे रहा है कि मैं आपके अंदर घुसूंगा। हमें इस मुल्क में हमें रहने का हक नहीं है, इस मुल्क में ये अवाम खड़े हैं। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया हुआ है कि ये बंदा मुझे एक घंटे से रोक रहा है, वीडियो भी बनाने नहीं दे रहा? तो इसने मेरे IG इस्लामाबाद से, ट्रैफिक पुलिस से और DIG इस्लामाबाद से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मुहज्जब गैर मुहज्जब लोगों को पुलिस फोर्स में ना खड़ा करें। ये इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, इस मुल्क इस वर्दी से लोगों की नफरत दिला रहे हैं। कह रहे हैं मैं तुझे वर्दी का जोर दिखाऊंगा। वर्दी क्या हमारे हिफाजत के लिए है, क्या ये वर्दी जोर दिखाने के लिए है?